एबीसी न्यूज के टॉप 10 में मैं दिशा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आई नजर डालते हैं खबरों की ओर। देश में ओमाइक्रॉन पसार रहा अपने पैर, ओमाइक्रॉन के अब तक देश में 1700 केस मिले। आज से देश में शुरू हो रहा 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन, शहर में प्रशासन सज्ज। कोविन पोर्टल पर बच्चों के वैक्सीनेशन को मिल रहा अच्छा प्रतिसाद, रजिस्ट्रेशन हुए बड़ी संख्या में। मनपा चुनाव आगे बढ़ सकती है प्रक्रिया, जल्द ही प्रभाग रचना का प्रारूप। 3 दिन से ओपीडी का बहिष्कार कर बैठे हैं रेजिडेंट डॉक्टर, ओमाइक्रॉन के बीच हड़ताल ने बढ़ाई प्रशासन की चिंता। शहर में ठंड हो गई कम, 2 दिन बाद आसमान में छाएगी बदली। शहर में विकराल होता जा रहा कोरोना, 24 घंटे में सामने आए 90 नए संक्रमित। ऑक्सीजन टैंक का लोकार्पण, पालक मंत्री नितिन राउत के हाथों हुआ लोकार्पण। काटोल को मिलेगी सैटेलाइट सिटी की पहचान, केंद्रीय मंत्री गडकरी ने दी विकास की सौगात, विविध कार्यों का किया भूमि पूजन और लोकार्पण। महामंडल संगठन और परिवार के बीच फंसे कर्मी, नौकरी से बर्खास्त किए जाने से पनप रहा असंतोष। बीसीएन न्यूज के टॉप 10 में फिलहाल इतना ही। ऐसी अन्य और खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।